इस वीडियो में बात कर रहा हूं कि पंजाब में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, कितनी फिल हुई, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, कितनों को सीट नहीं मिली, कितनों ने मैनेजमेंट कोटा में सीट हासिल करी, कितनों का नुकसान किया हुआ, और इस बार जो 2023 में कितने कैंडिडेट अधिक बढ़ गए हैं। इट मीन कंपटीशन बढ़ गया है, इट मीन्स थोड़ी सी तैयारी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। कारण ये है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपको कॉलेज कौन सा चाहिए, अगर ये प्रेफरेंस चाहते हो तो। पिछली बार जो कैंडिडेट कम थे और ओपन नहीं हो पाई थी, वो सारी बातें अभी बताता हूँ। नंबर फर्स्ट पर है कि बीएड एडमिशन में टोटल 2022 में क्या हाल था। टोटल सीट्स इन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज विद इन डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो लगभग ये लगभग राउंड चलेगा, कितनी हैं, लगभग 22,000 के करीब है, है ना। 22,000 है, एक दो कॉलेज अभी भी शामिल हुए हैं, 50 सीटें हैं जैसे, चलो वो अलग से वीडियो डाल दूंगा। कितने कैंडिडेट्स ने पिछली बार अप्लाई किया था, तो ये इतने कैंडिडेट नो 13,892 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, लेकिन टेस्ट में कितने अपीयर हुए थे, हाँ उतने मतलब अपीयर हुए थे, इसी से ये डाटा लिया गया है। और कितने पास हुए, ये जरूरी है, 22,500 सीट थी, पास कितने हुए, 12,982, है ना, 13,000 के करीब, ये इसको 13,000 लेके चलेंगे। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो लगभग कितने कैंडिडेट थे, 5,000 कैंडिडेट थे। इट मीन्स ये कैंडिडेट, इस बार ये पता चला कि ये कैंडिडेट क्यों नहीं करते, ये अपने सेम सिक्स जो है इनका, उनके रिजल्ट की वेट करते रहते हैं शायद, जहाँ अवेयर नहीं है। तो ये लार्ज नंबर होता है 5,000, इस बार भी लास्ट दिनों में एकदम जो है एनरोलमेंट है, जो एप्लीकेंट है वो बढ़े हैं। अच्छा, मैनेजमेंट कोटा सीट्स कितनी होती हैं, लगभग 2,000 है, 1,300 के पीछे 13 सीट्स होती हैं। तो ये प्राइवेट में होती है, गवर्नमेंट में कोई नहीं होती, एडेड में कोई नहीं होती, ये प्राइवेट की है, दैट इज़ वाई ऑलमोस्ट एग्जैक्ट भी बता दूंगा, लेकिन लगभग 2,000 के करीब है। ये वो उन लोगों के लिए बचती हैं जो सो गए हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे सके। एंट्रेंस टेस्ट की फीस लगनी है 2,600 रुपया जनरल कैटेगरी की, लेकिन ये नहीं दे सके थे। अच्छा, अब ये जो अप्लाई नहीं कर सके थे और इन्होंने मैनेजमेंट कोटा में बाकियों ने ले ली, है ना, 2,600 रुपया एक्स्ट्रा दिया और ले ली, और बाकी के 3,000 बचे, 5,000 में से 2,000 ये ले गए, बाकी सीट ओपन के लिए बची, जो पिछली बार कॉलेज ने एडमिशन कर ली, कोर्ट केस किया, लेकिन हार गए, कुछ भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं कर सकी। 3,000 कुड नॉट गेट एडमिशन, ये वो कैंडिडेट थे। क्यों, क्योंकि ओपन जो होनी थी वो नहीं हो सकी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी फिल हुई विदाउट मैनेजमेंट कोटा, आप 12,000 से 13,000 के करीब हुई, ठीक है, और 2,000 आप लगा लो ये मैनेजमेंट कोटा की होगी, 2,000 ये होगी, टोटल 15,000 सीट्स पिछली बार फिल हुई है, कितने में से, 22,500 में से। तो इस बार क्या है, इसी से अंदाज़ा लगेगा कि इस बार क्या है, प्रोबेबिलिटी कंपटीशन क्यों बढ़ गया है, क्योंकि पिछली बार 13,892 और इस बार लगभग 18,000 के करीब, वैसे यहाँ पर फिगर मेरे पास 17,407 के करीब हैं, लेकिन लेट फीस के साथ अभी कैंडिडेट्स आने हैं, तो ये 18,000 के करीब अगर ये बन जाते हैं और बाकी के 2,000 मैनेजमेंट कोटा में जाते हैं, अगर उसके बाद भी कोई बचता है, इट मीन्स 20,000 के करीब इस बार कैंडिडेट होने की संभावना आराम से दिखाई देती है, और 20,000 कैंडिडेट हैं, 22,000 सीट्स है, इट मीन्स इस बार कंपटीशन है। तो ये आपको लग रहा है कि 2,000 अधिक सीट पड़ी रहेंगी, लेकिन बात ये है कि अगर आप अपना कॉम्बिनेशन चाहते हो तो कॉम्बिनेशन हो सकता है कि मेजर वाला अगर नहीं मिल रहा, मेजर वाला नहीं मिल रहा तो आपको दूर जाना पड़ सकता है, जो मनपसंद कॉलेज नहीं है वहाँ जाना पड़ सकता है, और माइनर सब्जेक्ट जहाँ आपका नहीं है, जो बार बार आपने गाइडेंस ली है मेरे से कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कॉम्बिनेशन को प्रेफर कीजिए, कॉलेज दूर मिलता है तो बेशक जाइए, लेकिन सेकेंड माइनर कॉम्बिनेशन भी वो भी लीजिए जो
जॉब के लिए एलिजिबल है। आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका जवाब देता रहूँगा। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि इस पर कंपटीशन है, थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी का मतलब है अगर बाकी जने तैयारी कर रहे हैं, जैसे कई वीडियो मैंने अभी देखे कि 14,000 के करीब मेरे वीडियो जो हैं, 14,000 मतलब जो पिछले पेपर हैं बीएड के प्रैक्टिस सेट डाले हैं, 14-15,000 उसको देख चुके हैं। इट मीन्स कि आपको बेटर करना पड़ेगा, बाकी के नए सेट हैं, स्ट्रेटजीज है, उसके साथ आपको ज़्यादा गेन करना पड़ेगा अगर आप अपने मन चाहे कॉलेज और कॉम्बिनेशन को प्राप्त करना चाहते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।